दोस्तों ये रहा अपना ट्रेन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो है 5:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल चुकी है। दोस्तों वी आर स्किपिंग पटेल नगर नाउ। दोस्तों हमारी ट्रेन स्किप कर रही है अब कीर्ति नगर। पहले मोबाइल से करने में ये देखिए ट्रेन कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार ट्रेन लग रही है। अलवर के समोसे आप भी खाइएगा जब भी इधर जर्नी के लिए आएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समर विद पॉल। लास्ट टाइम आपने देखी थी मुंबई की सोलो थी, लेकिन इस बार हमको ज्वाइन कर लिया इन्होंने और इसने भी ज्वाइन कर लिया, तो हम लोग जा रहे हैं इस टाइम जयपुर। और आज की जर्नी बहुत ही मेमोरेबल होने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों से सोचा था कि इस ट्रेन की जर्नी करेंगे, आपको अंदर चलकर दिखाते हैं कौन सी ट्रेन है। और हम इस टाइम है दिल्ली सराय रोहिल्ला पे, आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, आपको स्टेशन मिलता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो आज की जर्नी है ये है आपकी डबल डेकर ट्रेन में हम लोग पहली बार बैठने जा रहे हैं इस टाइम। चल के आपको इसका इंटीरियर और इंटीरियर सब कुछ दिखाते हैं। हम भी अपनी लाइफ में पहली बार ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो साथ में आप भी एक्सप्लोर करते रहिए हमारे साथ। ये साथ में दोनों लोग जो हैं ये भी लग चुके हैं हमारे साथ। ये रहा आज का हमारा लोकोमोटिव जो कि हमें जयपुर लेकर जाएगा, और ये रही ट्रेन। तो ये रहा अपना ट्रेन। ये देखिए डबल डेक है, लोअर डेक है और एक अपर डेक है। तो आज की जो हमारी जर्नी है दोस्तों ये लोअर डेक में है, लेकिन रिटर्न वाला पक्का मैं कोशिश करूंगा कि अपर डेक में मिल जाए। तो दोस्तों ये हमारा कोच है आज C8, में लोअर डेक मिला है हमको आज, 2 सीट है। चलिए चल लेते हैं अंदर। लोअर डेक में है 13 और 20। चलो तुम कर लो। तो दोस्तों देख सकते हैं लोअर डेक नीचे और अपर डेक ऊपर होगा, फुली एयर कंडीशन। नीचे वाला है 13 नंबर और 20 नंबर है। तो दोस्तों अपनी जो सीट मिली है ये है, और दूसरी कौन सी है, अच्छा पीछे 13। बाकी बैग रखने के लिए रक्षा पूरी ऊपर है, जब तक कोई नहीं आता तो बैठ ही जाते नहीं। इंटीरियर बढ़िया है लोअर डेक का। फिर अपनी आराध्या बैठी क्यों नहीं अब, बैठ जाओ। अपर डेक का इंटीरियर है पूरा, सब बढ़िया है। और नीचे दिखाया था मैंने आपको लोअर डेक, ये पूरा अपर डेक है। नीचे पूरा लोअर डेक, कहाँ रहे हो अब? तो हमारे जो ट्रेन रहेगी आज ये 5:30 यहाँ से चलती है दिल्ली सराय रोहिल्ला से, और टोटल जो इसका हॉल्ट रहने वाला है ये 4 हॉल्ट रहेगा टोटल। दिल्ली से यहाँ सराय रोहिल्ला से चल के ये दिल्ली कैंट, अलवर के रास्ते गुड़गांव, अलवर के रास्ते होते हुए आपका गांधीनगर, फिर जयपुर। कुल 4 हॉल्ट के साथ हमें जयपुर उतार देगी रात के करीब 10:30-10:30 बजे तक।
तो बहुत बढ़िया ट्रेन होने वाली है, फुल एसी, लोअर डेक, अपर डेक के साथ। पेंट्री कार इसमें है, लेकिन आपको पेड है, आपके टिकट के फेयर के साथ नहीं मिलता है। और जो मेरा फेयर लगा टोटल 450 रुपये का लगा इसका। इसमें दो क्लास है, एक आपका जो है ये वाला नॉर्मल डबल डेकर, और एग्जीक्यूटिव कार है। तो एग्जीक्यूटिव कार का 1100 रुपये का फेयर है, और इसका 450 रुपये फेयर है। तो बस चलिए चलते, अभी कुछ सोच रहे हैं सामने वाले स्टॉल से रिफ्रेशमेंट, कुछ ठंडा वंडा ले लिया जाएगा, क्योंकि अभी दोपहर में बहुत गर्मी है। चल के आए तो थक गए, ट्रेन चलने से पहले थोड़ा सा ठंडा ले लिया जाए तो ठंडा जाएगा अंदर, मज़ा आएगा। चलिए ठंडा लेते हैं, पीते हैं, उसको आपको चल के अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं। एक थम्सअप दे दो और एक नमकीन दे दो ज़रा। एक थम्सअप निकाल दो ठंडी। दोस्तों जो रिचुअल है ट्रेन गर्मी में चलने से पहले ठंडा ले लेना चाहिए, तो हमने ले लिया। और वो वाइफ जो है वहाँ पे वेट कर रही, कह रही जल्दी आ जाओ, रील बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है ये। चलते इनका रील बनाते, नहीं तो ये भी गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, अभी तक हमारी ट्रेन अभी खड़ी थी, तो ये ट्रेन हमारी दूसरी आ गई है बगल वाले प्लेटफॉर्म पर, प्लेट दो नंबर पर, बीकानेर उदयपुर सिटी दिल्ली सराय रोहिल्ला, ट्रेन नंबर 22471। कि ये जो पूरा वॉश बेसिन दिया गया, अभी साफ़ सुथरा ही है, नल वल की पूरी व्यवस्था है, सामने शीशा दिया हुआ छोटा सा बढ़िया सा। चलिए आपको वॉशरूम टूर भी करा देते हैं, लगे हाथों। ये रहा, ये देखिए, ये लगा वेस्टर्न टॉयलेट, और ये बेसिन अभी किसी ने यूज़ नहीं किया, तो देखिए साफ़ सुथरा ही है। और बाकी वैसे 4-5 घंटे की जर्नी है, तो कितना ही गंदा होगा। ओके, हैंड वॉश दोस्तों किसी भी ट्रेन चले जाए, देखिए मग्गा जो है आपको बंदा मिलेगा, अभी भी साफ सुथरा ही है। पानी व्यवस्था है, वॉशरूम टूर इज डन। अब चलते हैं अंदर की तरफ, काफ़ी गर्मी है, थोड़ा सा एसी की हवा भी खाया जा रहा है सब। ठीक है, चलिए दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये दिया गया है आपका बॉटल वोटल रखने के लिए, 3 बॉटल 3 सीट के लिए। और वो चार्जिंग पॉइंट दिया गया है सब सीट के साथ, एक ये अपना चार्जिंग पॉइंट, और ऊपर लैपटॉप वैपटॉप बैग रखने के लिए पूरी व्यवस्था है। लैपटॉप बैग ही आएगा, बड़ा लगेज नहीं आएगा, उसके लिए बाहर रखना पड़ता है। बाकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, और सीट भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जो है 5:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल चुकी है, एकदम राइट टाइम पर, दिल्ली सराय रोहिल्ला। इसके बाद ट्रेन जाएगी दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट के बाद गुड़गांव, गुड़गांव के बाद अलवर, अलवर के बाद गांधीनगर, फिर सीधा जयपुर, रात के 10 बजे पहुंच जाएंगे हम। देख सकते हैं अपनी डबल डेकर, अपनी लाइफ की पहली जर्नी कर रहा हूं दिल्ली से जयपुर। अधिकतर जो गए हम गाड़ी से गए, लेकिन इस बार पहली बार कोई यूनिक और बढ़िया एक्सपीरियंस लेने के लिए इस ट्रेन से जा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली सराय रोहिल्ला से अपनी ट्रेन निकल रही है। दिल्ली सराय रोहिल्ला का आउटर देखिए, सामने जो है सूरज चचा एकदम चमक रहे बढ़िया तरीके से, और यहाँ से भाई डबल डेकर जा रही है। अब ये देखिए, तो जूम करता हूँ, नीचे वाली सीट देखिए, नीचे वाला देखिए कितना नीचे है, ऊपर वाला ये ऊपर, ये ऊपर वाला अपर डेक, ये नीचे वाला लोअर डेक। ट्रेन है 12986 जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस। ये टोटल जो है ओवरऑल 303 किलोमीटर की जर्नी तय करती है, शाम को 5:30 दिल्ली सराय रोहिल्ला से, और रात में 10 बजे जयपुर लगा देगी, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे चलती है वहाँ से जयपुर से, और मान के चलिए 10
10:30 तक मैक्सिमम आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो लौटने का भी हमारा इसी ट्रेन से है जो कि मंडे मॉर्निंग का है। तो बस अभी चलिए, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए और हमारी जर्नी को एंजॉय करिए और देखते रहिए, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जर्नी आपको दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये मुंबई लोकल नहीं है, ये दिल्ली की लोकल है। पिछले हफ्ते आप लोग को दिखाया था हमने मुंबई लोकल और इस हफ्ते देखिए आप दिल्ली लोकल, मेट्रो सिटीज़ के लोकल अब देखते रहिए बैक टू बैक। लोकल ट्रेन और डबल डेकर में हमको लग रहा है रेस चल रही है। कौन जीतेगा? लग रहा है डबल डेकर जीत जाएगी। हार गए भैया, हार गए, लोकल ट्रेन हार गई। ये पहुंच गया दया बस्ती और ये ट्रेन एकदम खनखनाते हुए निकल रही है दया बस्ती से। और रही दूर लोकल ट्रेन। हाँ भैया क्या हुआ, हार गए का? चलो जा जा। ये निकल गए दया बस्ती से, दया बस्ती कहते हैं इसको। स्किपिंग पटेल नगर था। सीधे ट्रेन अगले दिल्ली कैंट रुकेगी, उससे पहले कहीं नहीं रुकेगी, दिल्ली कैंट डायरेक्ट। दोस्तों हमारी ट्रेन स्किप कर रही है अब कीर्ति नगर, ये सारा वेस्ट दिल्ली का एरिया है। दोस्तों ये देख सकते हैं दिल्ली का स्लम एरिया है पूरा, दूर दूर तक देखिए सारा स्लम ही स्लम है और लोग पूरा एकदम रेलवे फाटक के साथ में घर बना रखा है इन लोगों ने। देखिए ट्रेन आ रही है इसी फाटक से और बिल्कुल मतलब पटरियों के साथ ही चिपका के घर है। देखिए आप देख सकते हैं पटरियों के साथ है। उसी रेल लाइन से ट्रेन भी आ रही है। दोस्तों ये देखिए एक मालगाड़ी खड़ी है WDGR, अंडाल का लोकोमोटिव लगा इसमें अंडाल, और ये बहुत तगड़ी मालगाड़ी है और लंबी चौड़ी, बैंकर लगा इसमें, दो लगा है, बहुत भारी मालगाड़ी है इसका, मतलब अभी दो लगा है।
तो वी आर एंटरिंग दिल्ली कैंट, जो कि अपने पहला हॉल्ट रहेगा अपनी ट्रेन का, अपने डबल डेकर ट्रेन का। ये देखिए दिल्ली कैंट। काफ़ी भीड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं दिल्ली कैंट से, मतलब मान के चलिए कम से कम 50-60% बंदा यहाँ से चढ़ जाएगा। दिल्ली सराय रोहिल्ला में इतनी भीड़ नहीं चढ़ी थी जितने कि दिल्ली कैंट से चढ़ेगा इसका मतलब। मतलब जो आधी आधी ट्रेन यहीं से फुल होकर चलती है जयपुर के लिए आगे, देख सकते हैं आप ये पूरी ट्रेन जो है कितने लोग चढ़ेंगे अभी यहाँ से। ये देखिए दिल्ली कैंट के एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ये लगाई जा रही है और भीड़ चढ़ने वाली है। और ये वाला गेट भी जो डबल डेकर है ये पहले हॉल्ट पे पहुंच चुकी है अपने दिल्ली कैंट, और यहाँ पे जो इसका हॉल्ट होने वाला है सिर्फ 2 मिनट का, और सिग्नल भी हो चुका है। बस ट्रेन अब जो है अगले स्टॉपेज के लिए निकल रही है, और वेस्ट दिल्ली वालों के लिए बहुत बढ़िया स्टेशन है दिल्ली कैंट आपका। जनकपुरी उत्तम नगर से आप 10 रुपये का टोटो करिए और सीधे दिल्ली कैंट स्टेशन पहुंच जाइए। जब मैं डाबड़ी रहता था दिल्ली कैंट बहुत बढ़िया स्टेशन था हमारे लिए। बस सिग्नल हो चुकी है, अभी चलते चल करना, थोड़ा हवा खाई जाएगी। दोस्तों अपनी ट्रेन दिल्ली कैंट से निकल चुकी है, देखिए दिल्ली छावनी। बिजवासन दोस्तों, वी आर स्किपिंग बिजवासन स्टेशन। ऑलमोस्ट वहां पे गुड़गांव पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों वी आर नाउ लीविंग फ्रॉम गुरुग्राम, पहले गुरुग्राम था गुड़गांव, लेकिन अब जो है ये गुरुग्राम हो गया है। सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम गुरुग्राम, और हमारी ट्रेन जो है जयपुर डबल डेकर बिल्कुल राइट टाइम चल रही है बिना किसी लेट के। ठीक है, गुड़गांव अभी लिखा हुआ चेंज नहीं किया, जबकि इसको चेंज करने का आदेश आ चुका था। ये चेंज किया भी नहीं, चेंज किया, यहाँ भी गुड़गांव लिखा। देखिए गुड़गांव सिटी चल रहा है, गुड़गांव सिटी। इस रूट पे काफ़ी आया हूँ मैं, लेकिन कभी गुड़गांव और दिल्ली कवर नहीं किया है। चलिए इस बहाने जो है गुड़गांव और दिल्ली भी कवर हो जा रहा है। सारे बिल्डर फ्लोर बने हैं देखिए गुड़गांव के अंदर। अच्छा गुड़गांव जो है काफ़ी महंगी जगह है दोस्तों, अगर जो दोस्त हमारे दिल्ली गुड़गांव एनसीआर से बाहर के हैं
गुड़गांव में आप थोड़ी ज़मीन महंगी मिल जा मिलती है आपको दिल्ली के मुकाबले, नोएडा के मुकाबले। कच्चा आम मैगी, मैगी थोड़ा कच्चा रहेगा। हंस क्यों रहे इतना ज़्यादा, क्यों हंस रहे हो आप? ये लोग ट्रिप का पूरा मजा ले रहे हैं दोस्तों। देखिए इसको सिर्फ क्लास नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, बाकी जो है ये ट्रेन में घूमना फिरना यही करना है। मेरा भी बता दो क्या, मुझे घर का काम नहीं करना, केवल खाना है, घूमना, मुझे बता दो। वो चल रहा है एंजॉयमेंट वाइज, आप भी हमारे साथ सफर में रहिए। नो 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 नो, कौन सा क्लास? पापा क्लास में जाएंगे बोल रही है। तो आप हमारे साथ जर्नी बने रहिए, ऐसी ऐसी जर्नी आप देखने मिलती रहेगी। सब्सक्राइब मत करिए पापा जैसे। दोस्तों वी आर एंटरिंग रेवाड़ी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है अपनी डबल डेकर। वैसे मोबाइल से करने में यही फायदा रहता है कि आपको जूम करके दिखा सकते हैं। रेवाड़ी तो अपने स्टॉपेज है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से स्किप कर जाएगी स्टेशन। अगला स्टॉपेज जो है वो अलवर का रहेगा, ऑलमोस्ट एक घंटे बाद का। तो दोस्तों वी आर फाइनली रीच रेवाड़ी जंक्शन। जंक्शन मतलब बड़ा स्टेशन ही है देखा जाए तो। ये देखिए रेवाड़ी जो कि हरियाणा में लगता है। खाली है पूरा प्लेटफॉर्म क्योंकि स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे गाड़ी का। एंड आई होप कि अपनी डबल डेकर यहाँ पे रुकेगी नहीं। छः बज के 55 मिनट में रेवाड़ी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अपनी जयपुर डबल डेकर एक्सप्रेस निकल रही है। और यहाँ पे जो है हरे कलर का टॉर्च दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ट्रेन रुकेगी नहीं, निकलती चली जाएगी घना घना। इतना सुंदर आजकल के स्टेशन को सजाया जाता है, देखिए स्वच्छ भारत अभियान के चलते स्टेशन भी आजकल काफ़ी साफ सुथरे होने लगे। ग्रीन सिग्नल दे तो रहे हैं अंकल जी, लेकिन पता नहीं गाड़ी क्यों रुक रही है। अरे अंकल जी क्यों रोक रहे हो, ग्रीन सिग्नल तो है। नहीं रुकेगी, स्पीड पकड़ ली ट्रेन तो निकल जाएगी। तो दोस्तों वी आर स्किपिंग रेवाड़ी जंक्शन। ये देखिए ट्रेन कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार ट्रेन लग रही है देखने में। शाम का समय है, सनसेट हो रखा है, प्यारा। Thank you.
दोस्तों अपनी ट्रेन जो जयपुर डबल डेकर 12968 ये पहुंच चुकी है अलवर, और अलवर में कुल 3 प्लेटफॉर्म है। और अलवर तो आपको पता ही है सर, इसका टाइगर रिजर्व के लिए बहुत फेमस है। और अंदर एक अलवर की मैडम बैठी थी, वो कह रही थी कि अलवर में जो है मिल्क केक बहुत बढ़िया मिलता है, तो कभी आप लोग आइएगा तो यहाँ के मिल्क केक जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने कहा नेक्स्ट टाइम जरूर ट्राई करेंगे जब यहाँ पे प्रॉपर घूमने के लिए आएंगे। तो ये अपना तीसरा हॉल्ट है, अब इसके बाद सीधा गांधीनगर जयपुर ट्रेन रुकेगी, रात के 10 बजे हम जयपुर पहुँच जाएंगे। और ये जो मेन लाइन यहाँ की है अहमदाबाद दिल्ली, दिल्ली जयपुर, रेवाड़ी मथुरा की मेन लाइन यहाँ से निकलती है, और करीब मान चलिए 50 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे निकल जाती है डेली के डेली, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। चलिए अभी ट्रेन चलेगी, यहाँ से आपको दिखाता हूँ इसका प्लेटफॉर्म। और कुल 3 मिनट का स्टॉपेज था, तो इज़ ऑलमोस्ट ओवर, सिग्नल भी हो चुका है ट्रेन का। तो बस चलिए निकलते हैं और यहाँ से, और आपको यहाँ का प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ। तो दोस्तों अपनी ट्रेन राइट टाइम बिल्कुल 12986 निकल चुकी है अलवर के स्टेशन से। रिफ्रेशमेंट काउंटर्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बोगी बीच में है या फिर लास्ट में या शुरू में, आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों निकल गया अपना अलवर जंक्शन। ये चल रहा है अपना अलवर सिटी। घर से मैं इतना खाना खिला के लाई हूँ, अभी भी खाई रहा, खाई रहा। भाई आदमी खाएगा पिएगा तभी तो ब्लॉगिंग करेगा। हाँ। एक बात पूछूं, मैं तो देखो कैसे बना रही हूँ, देख लो नीचे देखो। अलवर के समोसे आप भी खाइएगा, जब भी इधर जर्नी के लिए आएंगे समोसे जरूर खाइएगा। खाइए, आप कितना खा चुकी? एक खत्म, आपका दूसरा है। इसका मतलब बहुत टेस्टी है। हाँ बिल्कुल बहुत टेस्टी है, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। हम बहुत कम बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग, टेस्टी है। दोस्तों लाइव रिव्यू आपको मिल चुका है समोसे का। मैडम है ये रेवाड़ी रहती है, तो इनको जो समोसा बढ़िया लगा, हमने कहा कि एक रिव्यू दे दो हमारे सब्सक्राइबर के लिए कि वो जब आए यहाँ पे खाएं कि नहीं खाएं। तो उन्होंने कहा एकदम एक नंबर है, जब भी आइए एक समोसा जरूर खाइए। हमने 2 खाए, वेट कर रहे हैं अभी और आएगा तो और खाया जाएगा। एक प्लेट लिया जाएगा एक बार। तो दोस्तों वी आर फाइनली एंटरिंग गांधीनगर जयपुर। गांधीनगर जयपुर पहुंच चुके हैं दोस्तों, यहां से 20 मिनट का रास्ता और बचा है जयपुर स्टेशन का, तो यहां गाड़ी रुकेगी। 5 मिनट का होल्ड यहां पे है हमारी ट्रेन का, जयपुर डबल डेकर का। तो दोस्तों अभी हम लोग गांधीनगर पहुंच चुके हैं, यहाँ से जयपुर जंक्शन जो है वो बस 20 मिनट का रास्ता बचा है, और यहाँ पे इस ट्रेन का जो हॉल्ट है वो ओनली 5 मिनट्स का है। बस 5 मिनट ट्रेन निकलती है और बस आपको जयपुर स्टेशन चल के मिलता है। तो दोस्तों वी आर लीविंग फ्रॉम गांधीनगर जयपुर, ये आप कह सकते हैं इसको जयपुर का आउटर भी, और विद इन 10-15 मिनट्स में जयपुर स्टेशन पहुँच जाएंगे। Thank you.
दोस्तों हमारी जो दिल्ली जयपुर डबल डेकर में जर्नी ख़त्म, जयपुर हम पहुंच चुके हैं एकदम राइट टाइम 10 बजे। जर्नी छोटी सी थी लेकिन वैसे बहुत गजब की जर्नी रही हमारी, तो खाया पिया और मज़े बहुत लिए, ट्रेन के अंदर सब्सक्राइबर भी बनाए और बस हम पहुंचने वाले हैं। हमारी सिस्टर नहीं भैया, हमारी जो है सिस्टर आई हुई है पिकअप कर लिए, बस अभी चलते हैं बाहर और इसी ट्रेन से हम मंडे मॉर्निंग को रिटर्न भी है। तो आपको अभी तो नाइट में उतना कुछ नहीं देखने को मिला लेकिन बहुत ही तगड़ी जर्नी आपको देखने को मिलेगी रिटर्न जब जाएंगे इस ट्रेन से वापस। अभी लोअर डेक में था, अब हो सकता है कि ज़्यादा टाइम अपर डेक में मिल जाए रिजर्वेशन, देखते हैं कहाँ किस्मत मिलता है। बाकी अब भाई को ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को भगा भग सब्सक्राइब कराते रहिए और लाइक कमेंट करके बता रहिए कैसी सीरीज़ बन रही। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।